Hey guys! So guys, आज हम आए हमारे होम टाउन में उत्तर प्रदेश में and as per आपकी रिक्वेस्ट एंड ऑल हम आपको दिखाने वाले हमारे दादी का घर और दादाजी का भी चलो दिखाते हैं। जिससे पहले वीडियो शुरू कर जो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर करना एंड जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ लेट्स बिगिन। आइए आइए हमारे घर में आइए। सो अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा घर। ये है सीढ़ी से हम जाते हैं सेकंड फ्लोर में, जिसके हम आपको बाद में दिखाएंगे। आपको पता है इससे एक बचपन का इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। मैं चढ़ रही थी यहाँ से और अनुष्का ने मुझे धकेल दिया और मेरा जो टो नेल है ना टूट गया, बहुत खून निकला, तो इसके वजह से वही आपको बताना बहुत जरूरी था। एंड ये वाला जो एरिया है ना, हम लोग अभी बहुत खेलते हैं इधर आ सो यहाँ पे। ये हमारे भाई बहन है, दूर के रिश्तेदार हैं, हमारे पापा के कजिन के बच्चे। नहीं समझे, समझ जाओगे। तो हम लोग इसी एरिया में खेलते थे। क्या खेलते थे हम लोग, तुम्हें याद है? मुझे पोशम पा भाई, पोशम पा। कौन सा ऐसा जो रेड लाइट, लंदन टू गोवा स्टॉप, स्क्विड गेम में जैसा है ना रेड लाइट ग्रीन लाइट, वैसे हम लोग तो लंदन टू गोवा स्टॉप खेलते थे। और तो ये भी, ये तब छोटी सी बच्ची थी। No. So, ये है हमारा बरामदा। यहाँ पे दादाजी का चिल प्लेस है, यहाँ पे बैठे रहते हैं, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं। ये क्या बात करता है यार, जब हम आए थे तो हम यहाँ बैठे थे एंड सब आए थे, हम फिर बात करते हैं, अरे इतनी बड़ी हो गई, जब तुम इतनी बड़ी जब से हम तुम्हें देखे हैं। ये है दादा दादी, हमारे प्यारे दादा दादी। तो ये हमारे पापा जी, आपने ने देखा होगा काफी वीडियो में, इसमें कैसे डाकू मंगल सिंह लग रहे हैं। ये क्या बात करता है यार। तो गाइस कमेंट करो कि हाँ पापा डाकू मंगल सिंह जैसे हैं, दिख रहे हैं पुराने जमाने के विलेन एक्चुअली। एंड ये है हमारी भोली सी मम्मा की फोटो। अब दादाजी हमारे बहुत आयुर्वेदिक इंसान है, तो यहाँ पे उनकी एक से एक दवाइयाँ है। आपको पता है हमारी दादी हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, तो लाइक हर रोज सुबह 4 बजे उठ के योगा करते हैं, तो इसलिए एकदम फिट है। सो अभी आपको लेके जाते हैं हमारे इस रूम के राइट वाले पार्ट में। सो यहाँ पे एकदम जरूरी चीज जो है हमारा ड्रेसिंग टेबल। मेरा तो अगर आपको अपनी शक्ल देखनी है, ओह मैं मेहमाना ही, मेरा लिपस्टिक सही है, मेरा मेकअप सही है, मैं सुंदर लग रही हूँ, सब यहाँ देख सकते हैं। सो हमारी दादी थोड़े से फैशन टाइप इंसान है। हमारी दादी जो है लाइक पूजारी टाइप इंसान को, सो वो हर रोज शाम को पूजा करती हैं एंड हर सोमवार मंडे को जाती हैं वो मंदिर में। तो अब आपको लेके जाते हैं दादा के फेवरेट जगह पे। हाँ सभी कुछ दिन पहले ही दादा मुझे पूरा सैर कराए थे, तो मैं पूछी उनसे कि ये वाला रूम हमेशा लॉक्ड क्यों रहता है। So, अभी आपको दिखाती हूँ वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट, एक काफी एक्साइटिंग जगह। वो है हमारा गार्डन पूरा, यहाँ पे काफी देसी एरिया है, मजा आता है। एंड वैसे यहाँ पे एक और सीढ़ी है सेकंड फ्लोर जाने के लिए, एंड टेरेस भी जा सकते हैं इससे, तो वो तो आप बाद में देख लोगे। सो कम ऑन फॉलो मी। तो यहाँ पे हमारा किचन, जहाँ लाइक किचन का सामान रखा है, स्टोर रूम भी है, बट यहाँ पे ऐसे कुकिंग नहीं रहती है। एंड राइट में है हमारा देसी कुकिंग एरिया, पे वो मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, तो उसी में कुकिंग करते हैं देसी तरीके से। सो दादी यहाँ पे भी कुकिंग करती है और ऊपर भी करती है जब उनका मन करे। यहाँ पे है हमारी खटिया। अब गाँव में आए हैं तो खटिया तो रहेगी ही हर जगह। सो खटिया में तो मतलब बैठने का सोने का अलग ही मजा रहता है। एंड यहाँ पे एक और खटिया है जो टूटी है। सो ये है अमरुद का पेड़, सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक अमरुद भी है एंड पके नहीं अभी तक, ये सब पकेंगे। सो यहाँ पे एक अमरुद का पेड़ है एंड और भी बहुत सारे पेड़ हैं, ये पक जाते तो हम इसे खाते भी हैं। सो यहाँ पे है फूल जो पिंक कलर के बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। एंड पीछे है मेरा नींबू का पेड़ एंड देखो इतने सारे नींबू है, रात भर ऐसे वो नीचे गिर जाते हैं पक के एंड उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ मैं आपको लेके जाती हूँ हमारे एक और एकदम गाँव की चीज, ये हमारा पंप। सो अंडरग्राउंड वाटर है एंड बड़ा मतलब गांव का यही तो बात है, यहाँ पे रहता है देसी चीजें हैं, ये एक पंप तो रहता ही है गांव के जगह में। सो यहाँ पे दादी दादा नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उनको देसी चीजें ही पसंद है यहाँ की, लाइक उनका ऊपर वाला फ्लोर भी एकदम लाइक मॉडर्न टाइप है, बट वो देसी चीजें प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पे है चीकू का पेड़, चीकू पके नहीं है बट इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े, तो जब पकेंगे तो हम इन्हें खाएंगे।
यहाँ पे है हल्दी का पेड़, तो ये सब हल्दी बाद में नीचे इकट्ठा हो जाते हैं जब ग्रो करते हैं, तो यहाँ नीचे जब मिट्टी खोदते हो तो आपको हल्दी मिलता है। तो यहाँ पे है हमारे वॉशरूम्स एंड ऑल, तो हम लोग कभी कभार यहाँ का यूज करते हैं या तो ऊपर वाला जो भी मन करता है। सो अभी हम आपको दिखाते हैं सेकेंड फ्लोर, चलो सीढ़ी चढ़ के आओ जल्दी से। वेलकम टू द सेकेंड फ्लोर। सो ये हमारा पोर्टिको, एंड बेस्ट पार्ट इसकी पता क्या है, इसका व्यू कितना अच्छा, पूरा चारों तरफ हरियाली, एंड पड़ोस लोग को तंग करना, उन पे जासूसी करना सब किया जा सकता है, एंड बड़ा मजा आता है यहाँ पे चिल करते हम लोग। पापा अभी आ जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग पूरा चिल करेंगे एंड गाना प्ले करेंगे, खाएंगे पियेंगे। सो चलो अभी ऊपर चलते हैं, हम आपको बाकी का सेकेंड फ्लोर दिखाते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का सेकेंड फ्लोर। ओ ये रही हमारी दादी, क्या कर रहे थे आप दादी यहाँ पे? बहू से बात कर रहे थे। हाँ मैं यहाँ पे मम्मी और दादी से बातें कर रही हूँ, नीचे जा रही हूँ सफारी खाने के लिए। अच्छा चलो बाय दादी। बाय सबको, आपका ये प्यार से घर दिखा रहे हैं निशान। तो ये हमारा हॉल जो काफी ज्यादा बड़ा है, वेल फर्निश्ड, पिछली बार नहीं था और इस बार हमने कई सारे फर्नीचर्स भेजे, टीवी एंड ऑल। सो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी आप सोच रहे हो कि अचानक से मेरा कपड़ा कैसे बदल गया, वेल यस्टरडे एक्चुअली अंधेरा हो गया था एंड ऑल हो गया, तो इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाए सेकंड फ्लोर का, तो आज मैं कर रही हूँ। सो चलो मैं आपको बाकी का ये सेकंड फ्लोर दिखाती हूँ। सो यहाँ आता है हमारा टीवी, तो यहाँ पे आता है टीवी जहाँ हम लोग टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं एंड ऑल। सो अब आप देखोगे तो सेकंड फ्लोर जो एकदम मॉडर्न, एकदम सिटी जैसा है, एंड नीचे का फ्लोर एकदम देसी टाइप का है। सो हाँ यहाँ पे वही एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पे आता है हमारा डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम सब बैठ के मिल के खाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड फ्लोर का हॉल, अभी आपको दिखाते हैं रूम जहाँ पे हम लोग सोते हैं हर समय जब भी हम आते हैं। सो गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा रूम जहाँ हम लोग सोते हैं रहते हैं। सो यही है हम लोग यहाँ पे सोते हैं, यहाँ बहुत सारी विंडोज हैं तो बाहर जाके हम लोगों को स्पाई कर सकते हैं लोगों पे, एंड हवा भी आती है तो अच्छा फायदा है। अभी आपको दिखाती हूँ हमारा किचन जहाँ कुकिंग होती है। अभी यहाँ पे मम्मा और दादी भी हैं। यहाँ बिजली नल का पानी पिया जाता है ना? नहीं बाबा, देख रही हो बिस्लरी का पानी? पांक। नहीं नीचे ग्राउंड वाटर मिलता है, मस्त लोग पीते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं पीते अभी, मेरा फिल्टर नहीं लगा है तो इसके लिए मैं बाहर से पानी फिल्टर वाला मंगा रही हूँ। तो ये है आज का कुक विद दादी का किचन। एंड अभी लेके जाती हूँ मैं आपको हमारे थर्ड फ्लोर में जो है हमारा टेरेस रूम, मुझे बहुत पसंद है। वेलकम टू माय करना, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।